फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो में आज क्या है? आज संडे है, रविवार है, राधा कृष्ण जी का दिन है और आज की रीडिंग में है राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप ये संदेश उसको देख सोच के देख सकते हो। आपने सोचना है कि ये गाइडेंस हमें वहीं से मिली है। राधा कृष्ण जी जहाँ प्यार का, लव का, लॉयल्टी का नाम आता है, ट्रू लव का नाम आता है, तो वहाँ राधा कृष्ण जी का नाम पहले आता है। तो इसलिए मैं संडे को राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश डालती हूँ ताकि आपको भी गाइडलाइंस मिले। तो चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले दो लाइनें राधा कृष्ण जी के ऊपर हो जाए। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम के रंग में रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग ना ही छूटे, धोबी या धोए चाहे सारी उमरिया, शाम के रंग में रंग दे चुनरिया। राधे कृष्णा। पॉजिटिव रहिए और राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश देखिए। सबसे फर्स्ट का राधे कृष्णा। गाइस, अगर आप किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको वो चीज़ देने वाले हैं, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे डायरेक्ट आपको एंगेजमेंट मिलने वाली है। यानी कि ये कार्ड ये बताता है, राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप जिन चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपके पर्सन बड़े प्यार से आपको चीज़ें आगे ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए अगर आप किसी रिश्ते के लिए परेशान हो, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो आपको अपने पर्सन के साथ बातचीत करके आगे पूरी तरह साफ क्लैरिटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है और जल्दी कितने इनका जल्दी कहीं आगे बढ़ना इनके बस में नहीं है। आपको बैठ के पूरी तरह बात करके चीज़ें आगे ले जानी चाहिए। राधे कृष्णा। गाइस, अगर आपको कुछ आपके पर्सन ने किसी वजह से मन मुटाव से आपके साथ बातचीत बंद हो चुकी है, आपको ब्लॉक में डाल रखा था, तो राधा कृष्ण जी कह रहे हैं वो वक्त अब दूर नहीं कि जब वो आपके रास्ते सारे खुलेंगे। यानी कि अब डिवाइन टाइमिंग आने वाला है और आपके पर्सन जिन्होंने आपके रिश्ते में और अपने रिश्ते में बाउंड्री खड़ी कर रखी थी, वो बाउंड्री अब हटाने वाले हैं। राधे कृष्णा। आप लोगों के रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी फैमिली है, तो वो फैमिली की वजह से जो चीज़ें रुकी हुई है, आपके पर्सन जल्दी ही उनसे बातचीत करके आपको अपनी फैमिली से मिलाने वाले हैं और वो पक्की बात है, वो फैमिली जो है आपको एक्सेप्ट कर लेगी। बस आप पॉजिटिव बने रहिए। राधा कृष्ण जी कहते हैं नेगेटिव सोचो, नेगेटिव होता है, आप पॉजिटिव बने रहो। राधे कृष्णा। आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन की कृपा है। डिवाइन चाहती है कि आप एक दूसरे को तन मन से बहुत प्यार करते हो और आपका रिश्ता शुरू हो जाए, तो इसलिए आपके रिश्ते की बिगनिंग होने वाली है जो किसी भी वजह से स्टॉप हुआ हुआ है। डिवाइन की कृपा है। जब आप लोग दोनों एक हो जाओगे, खाली आपका रिश्ता ही नहीं जुड़ेगा, आपके घर में
आपके लाइफ में जो अबेंडस की भी किसी की कमी है वो भी पूरी होगी, कैरियर और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। काफी दिनों से आपके पर्सन, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं, काफी दिनों से आपके पर्सन कंफ्यूज थे, सोच रहे थे आए कि ना आए, लेकिन वो आपके दिल के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार इमोशनली अटैच है, उनके जो प्यार है सच्चा प्यार है, अब वो अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यानी कि जिन चीज़ों का आप इंतजार कर रहे हो, अब ज़्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राधे कृष्णा। गाइज, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बेहद प्यार करते हो और उसकी कुछ ऐसी छल कपट या उसकी आंखों में आपको वफादारी नहीं लिख नजर आ रही, तो आप पहले उससे अपने रिश्ते की आगे जाने वाली चीज़ों की अच्छी तरह से क्लैरिटी ले लो, और हो सके तो अपनी हदों में रहो, क्योंकि ये पर्सन जो है कभी भी आपको मुंह फेर सकता है। अपने दिल से हाथों मजबूर होके ऐसा कोई कार्य मत करिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। राधे कृष्णा। गाइस, आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, यानी कि आपके पर्सन जो है अपने दिल की फीलिंग या दिल की बातें या रिश्ते में क्लैरिटी होने वाली बातें आपसे शेयर नहीं करते। आप हमेशा सोचते रहते हो और आपको इस चीज़ का शक होता है कि ये पर्सन कभी भी मुझे चीट करके जा सकता है या मुंह मोड़ सकता है, कोई भी एक्सक्यूज़ दे के मेरे को हाथ से निकल सकता है। तो ट्रस्ट इशू है, अपने आप को अंदर दिल दुखाने से कोई फायदा नहीं। अगर इस पर्सन पे, जैसे ही मैंने लास्ट कार्ड में भी कहा है आपको कि पहले क्लैरिटी ले लो, फिर आगे बढ़ो और अपनी हदों तक रहो, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा डाउट हो जाए ऐसे रिश्तों में क्लैरिटी अच्छी होती है, नहीं तो बाद में आप अकेले रह जाओगे और ये कहीं के कहीं निकल जाएंगे। कोई भी रिश्ता है, जब ज़्यादा देर तक ट्रस्ट इशू रहता है उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। राधे कृष्णा। गाइस, आप जिस पर्सन से बेहद प्यार करते हो, उससे दिल से जुड़े हुए हो और उससे ट्रू लव करते हो, वो पर्सन आपकी उम्मीद है, आपकी होप है, तो वो उम्मीद आपकी अब पूरी होने वाली है। यानी कि आपको सेलिब्रेशन, कंग्रेचुलेशन कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। राधे कृष्णा। जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, हमेशा वो पर्सन कोई ना कोई बात आपसे छुपाते हैं। तो गाइस, राधे कृष्ण जी कहते हैं कि ये पर्सन अभी कंफ्यूज है, इससे चीज़ों का बैलेंस नहीं बन रहा, इसमें रिश्ता संभालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब तक बैलेंस नहीं बनता, आप रिश्ते को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए और स्पीड पे मत लेके जाइए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। राधे कृष्णा। अंत बला तो सब बला। गाइस, राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि जिस पर्सन का आप बड़ी बेसब्री से, काफी दिनों से, काफ़ी महीनों से, या हो सकता है काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहे हो और जिसकी आप पूरी तरह से उम्मीद खो चुके हो, और वो अब आने वाला है और स्पीडली आपकी तरफ बढ़ने वाला है, एक्शन लेने वाला है। हो सकता है आपकी फैमिली से मिले, हो सकता है आपको कॉल, फ़ोन, मैसेज करे, और ये भी हो सकता है आपको डायरेक्ट सीधा प्रपोज करे। तो इसलिए तैयार हो जाइए उस पर्सन के एक्शन के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव बने रहना है और पॉजिटिव होप रखनी है, और जहां आपको लगे कि आपके पर्सन आपको दुविधा में डाल रहे हैं,
आपसे पूरी तरह बातें नहीं कर रहे, या आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, तो एक साथ बैठ के बात करके कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को सुलझाएं, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं, आपका रिश्ता जो है उस पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, राधा कृष्ण जी कहते हैं, अगर प्यार किया है, लव किया है, अगर ट्रस्ट करते हो, पेशेंस भी रखने होंगे, होप भी नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, जब हम भी पृथ्वी में आए हमने भी बहुत जुदाई और दुख सहे हैं, इसी का नाम प्यार है। अगर आसानी से मिल जाए तो ये टकरार है। तो ये थे आज राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश। अगर ये आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, राधे कृष्णा।